हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक कलर टीवी को रिपेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कलर टीवी है ये ऑन नहीं हो रहा है, और ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है, इसको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हमने इसका जो कैबिनेट है उसको खोल के रख दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो पीसीबी है उसको हम देखते हैं इसमें क्या ख़राबी है। तो इस टीवी को हमने खोल के रख दिया है ताकि आपका टाइम बच जाए, और हम अब देखने जा रहे हैं इसका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये कलर टीवी को हमने ऑन कर दिया है और आपको बताते हैं दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट है। आप इसका पिक्चर ट्यूब है, जो नेक है इसका, उसको आप गौर से देखिए। यहाँ पे स्पार्किंग होता है इसके नेक के अंदर में, आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए कुछ इस तरह से इसमें स्पार्क हो रहा है पिक्चर ट्यूब के अंदर में, नेक के अंदर में। इसको हम गन स्पार्क बोलते हैं। तो इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले ये फॉल्ट को देखते हैं दोस्तों। ये जो पिक्चर ट्यूब है ये इसके अंदर में स्पार्क हो रहा है, और ये टीवी हमारा ऑन नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप वाइट और बैंगनी कलर का देख सकते हैं, यहाँ पे बैंगनी कलर का जो लाइट पिक्चर ट्यूब के नेक के अंदर से आ रहा है। तो इसका नेक जो है अंदर से स्पार्क हो रहा है, गन स्पार्क बोलते हैं इसको। और इस तरह के फॉल्ट को हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉल्ट है ये इसका अंदरूनी फॉल्ट है दोस्तों, क्योंकि ये पिक्चर ट्यूब के अंदर का जो फॉल्ट है ये शॉर्टिंग का फॉल्ट है। तो इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बाहर से इसको इसका पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो फॉल्ट है ये रिपेयर करने लायक नहीं है। इस तरह के फॉल्ट आने पर दोस्तों आप पिक्चर ट्यूब को सीधा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका पिक्चर ट्यूब अब ख़राब हो चुका है और ये रिपेयर करने लायक नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पिक्चर ट्यूब के अंदर में इस तरह का स्पार्क हो रहा है, बैंगनी कलर का यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, अंदर से लाइट निकल रहा है। तो इस तरह के फॉल्ट आने पर दोस्तों आप कुछ भी नहीं कर सकते इसको, क्योंकि पिक्चर ट्यूब अंदर से ख़राब हो चुका है। तो हमें पिक्चर ट्यूब सीधा रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो किट है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है वो पूरी तरह से ओके है, बिल्कुल सही है, सही काम कर रहा है, लेकिन पिक्चर ट्यूब ख़राब है। इस कारण से हमें ये पिक्चर ट्यूब को चेंज करना पड़ेगा। आप और भी इसको गौर से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पार्क हो रहा है। और ऐसे केस में दोस्तों हो सकता है पिक्चर ट्यूब ब्लास्ट भी हो जाए, कुछ केसेस में दोस्तों ये ब्लास्ट भी हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा स्पार्क हो रहा हो। तो दोस्तों इस तरह का फॉल्ट आने पर दोस्तों आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पिक्चर ट्यूब की ख़राबी का फॉल्ट है और पिक्चर ट्यूब रिपेयर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।